يكتم اطفالهم امين شتت عن النساء امين ويكتم اطفالهم امين اللهم مصر الاسلام في كل مكان امين اللهم مصر اخواننا المستضعفين في فلسطين امين اللهم مصر اخواننا المستضعفين في فلسطين الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله नमस्ते दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में और आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस के बारे में कि किस तरह से दिन पर दिन फ्रांस में जिहाद और इस्लाम बढ़ता हुआ जा रहा है वहां पर क्राइम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों यूरोप एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है चाहे मिडल ईस्ट से आई गैर शरणार्थी हों या फ्रांस के शांति प्रिय मजहबी लोग फ्रांस बैकफुट पर है वहाँ की सरकार चाहते हुए भी फ्रांस के जिहाद को काबू नहीं कर पा रही है स्वीडन जर्मनी इंग्लैंड फ्रांस जो यूरोप की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे आज इस्लामिक जिहाद के कारण पूरी तरह से निर्बल हो गए हैं पर सवाल ये है कि यूरोप जो कि एक ईसाई बाहुल्य था जहाँ चर्च का राज था आखिर इसमें सेकुलरिज्म का कीड़ा किस देश को काटा तो आपको बताना चाहूँगा कि यूरोप में सेकुलरिज्म का सर्वप्रथम इस्तेमाल फ्रांस ने शुरू किया था फ्रांस के संविधान में लिखा है कि फ्रांस एक सेकुलर रिपब्लिक है मतलब कि सरकार के कामकाज में चर्च का कोई भी रोल नहीं होगा चर्च अपना काम करेगी और सरकार अपना इसकी मूल परिभाषा है कि चर्च और स्टेट पूरी तरह से पृथक हैं अलग हैं इसलिए फ्रांस की सरकार कोई भी धर्म नहीं मानती नहीं चर्च के दबाव में अपने कानून में कोई फेरबदल करती है असल में यह एक प्रयोग था जिससे सरकार पर चर्च के निरंकुशवाद शासन को खत्म किया जा सके और यह प्रयोग काफ़ी सफल भी रहा था शुरुआत में लेकिन बात करें आज की तो फ्रांस को इससे अराजकता तुष्टीकरण रेप और जिहाद के अलावा कुछ नहीं मिला है अभी कल ही फिर से फ्रांस में अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया है शुक्रवार को 18 साल के एक छात्र ने या फिर कहो आतंकी ने अपने ही शिक्षक का गला काट दिया असल में बात यह हुई थी कि पेरिस के एक शिक्षक ने क्लास में चार्ली चार्लीपदो मैगजीन में प्रकाशित मोहम्मद पैगंबर का एक कार्टून दिखाया था जिसके बाद उस मुस्लिम छात्र या आतंकवादी की भावनाएं इतनी आहत हुई कि उसने अपने टीचर का गला काट दिया वह 18 वर्षीय आतंकवादी मास्को चेचनिया का मूल मुस्लिम था उस आतंकवादी की उम्र 18 साल थी क्लास में शिक्षक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्लास लेते हुए मोहम्मद पैगंबर का फ़ोटो दिखा रहे थे उसके बाद शिक्षक को मारकर उसके हमले की वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला गया जिससे कि दुनिया को संदेश दिया जा सके पुलिस ने जब उस आत्म उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो वह अल्लाह अकबर चिल्लाता रहा और उसने पुलिस पर अटैक कर दिया तो बताया जा रहा है पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के कारण गोली चलानी पड़ी जो कि गोली उस आतंकवादी को लगी और वहीं पर उसकी मौत हो गई फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है कि देश में इस्लामिक आतंकवाद चरम पर है और अब आतंकवाद का सफाया करने के लिए वो खड़े हो गए हैं फ्रांस में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं फ्रांस में अशांति है अभी तीन सप्ते पहले ही चार्ली हैब्दों के फिर से दो पत्रकारों की हत्या कर दी गई इसलिए फ्रांस पहले से ही हाई अलर्ट पर था ऐसा नहीं है कि यह है पहली बार है 2015 में भी कार्टून छापने पर चार्ली हैप्डो के बारह कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी उसके बाद मैगजीन ने कार्टून बनाना बंद कर दिया था लेकिन 2020 में चार्ली हैप्डो के एमडी लॉरेंट रिस सोरिस्यू ने कहा है कि अब हम हार नहीं मानेंगे और हम फिर से प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बनाने स्टार्ट करेंगे और जब पूरे दुनिया के मुसलमानों ने इसका विरोध किया तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है पिछले सात से आठ सालों में फ्रांस पर आतंकी हमले बढ़े हैं चाहे 2016 में फ्रांस के शहर नीस में बेस्टिल डे मना रहे लोगों की भीड़ पर ट्रक से हमला हो जिसमें अस्सी लोग मारे गए थे या तेरह नवंबर दो में राजधानी पेरिस के सेंट डेनिस में आतंकी हमला हो जिसमें ब्लास्ट में करीबन नब्बे लोग मारे गए थे इसी तरह से दिन प्रतिदिन फ्रांस में बलात्कार लूटपाट की घटनाएं आम हो गई हैं इसलिए अब फ्रांस आतंकवाद से सख्ती से निपटना चाहता है फ्रांस में महिलाओं को बुरखे पहनने पर भी पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि फ्रांस की सरकार को लगता है कि बुरखे में किसी भी असामान्य गतिविधि को आसानी से किया जा सकता है आखिरी में मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि कार्टून दिखाने पर गला काट देने वाले लोग आखिर शांति की बात कैसे कर सकते हैं स्वीडन में कुरान पर बोलने पर स्वीडन जला दिया गया नॉर्वे में कुरान फाड़ने पर नॉर्वे को जला दिया गया भारत में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर बेंगलोर को जला दिया गया तो कहीं ना कहीं इस्लाम को विश्व शांति के लिए एक ग्रहण की तरह देखा जा रहा है पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं और वह बस इस्लाम से मुक्ति चाहते हैं वहीं वामपंथी दक्षिणपंथी विचारधारा को ख़त्म करने के लिए इनका प्रयोग कर रही है भारत में दलित और मुस्लिम एकता का दिखावा करके वामपंथी कार्ड खेल रहे हैं यूरोप में मुस्लिम माइग्रेंट्स का यूज़ करके और अमेरिका में मुस्लिम और अफ्रीकन अमेरिकन का यूज़ करके वामपंथी अपनी आइडियोलॉजी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बाकी मेरा अंत में यही सवाल है कि क्या फ्रांस ने उस आतंकवादी को मार के अच्छा किया या नहीं किया और क्या पूरी दुनिया में देश भर में सभी आतंकवादियों के साथ यही होना चाहिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके जय श्री राम दोस्तों जय हिंद